किसान दोस्तों, अज 88 दिन हो गए तुहाडा किसान अंदोलन चलदिया। सरकार बजिद है, मोदी सरकार कूड़ प्रचार कर रही है अंदोलन के संबंध में। कदी तो ये मंत्री कहिंदे ने भई साडे नाल कलॉज़ बाय कलॉज़ बहस नहीं की, जबकि असलियत यह है असी 11 विचों पहलियां 4 मीटिंगां विच कलॉज़ बाय कलॉज़ बहस करके एक कलॉज़ दे विच की नुक्स है सारे असी सरकार नूं दस्से सी। उहदा सिट्टा सी कि हर कलॉज़ दे विच की अमेंडमेंट करनी, सरकार अपने आप लिखी जांदी सी। अखीर विच असी उहनां नूं कहा सी कि जे इन्नी अमेंडमेंटां करनियां तां इहनूं वापस क्यों नहीं लैंदे। उहदे बाद अजकल उहनां ने कहना शुरू कर दिता भई किसान बजिद ने, साडे नाल गल नहीं करदे, जबकि 22 जनवरी तो बाद सरकार आप जी एक गलबात तो भज रही है। असी अपने गलबात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। दूजे पासे ये भी असलियत है, सरकार नू कंबनी छिड़ी हुई है, घबराई हुई है। मोदी जिहड़ा कभी प्रेस के सामने हुंदा नहीं सी, अज हर रोज़ किसी ना किसी ढंग नाल किसानां दे अंदोलन के उत्ते कटाक्ष करता है। मोदी ने जो कुछ कहा वह किसानां दे दिल के उत्ते उकरिया गया, जो पार्लीमेंट के शब्दावली वरती गई, उन्हें किसानों पैरासाइट्स कहा। पैरासाइट सब तो बड़ी गल, गली दे गंदे कीड़े कहा गया किसानों, जिन्हों अन्नदाता कहता सी उन्हों गली दे गंदे कीड़े कहा। यदा मतलब मोदी सरकार बिल्कुल मानसिक तौर पर अपना संतुलन गुआ चुकी है। अज सारे देश का यह जन अंदोलन बन गया। पिछले दिन असी जदों जिहड़ा सी ट्रैफिक जाम करन दी कॉल दित्ती सी, उदों 21 राज्यां विच इह अंदोलन फैल चुका सी। हुण जदों 18 तारीख नूं रेल रोको होया, देश दे 736 जिलों विचों 7 जिलों विच सफल और पीसफुल जिहड़े सी रेल रोको अंदोलन होया। ते अजकल आम लोकां दे विच इक दौड़ लग गई है, पंचायतां इकट्ठियां हुंदियां, हर जगह महा रैली रख दिंदियां। साडे लई भावें सानूं जाना पैंदा अटेंड करन लई, पर साडे लई मुश्किल इह है वी उधर मोर्चा छड के जाना बड़ा औखा हुंदा है। दूसरे पासे भाईचारे की मंग नूं भी ठुकराया नहीं जा सकता। फिर भी असी अपने भाईचारे नूं बेनती करांगे कि हुण आओ आपां सारे रल के मोर्चे दे निशाने ते उपड़िए, इत्थे वध तों वध गिणती च पहुंचिए और इहनूं होर अगे वधाइए। मोदी सरकार नूं अहसास कराइए कि अंदोलन खत्म नहीं होया, जिस तरह का दुष्प्रचार करते ने, अंदोलन अपने टीचे उत्ते फिर पहुंचया होया, फिर दिन ब दिन अगे वध रहा है। ये सब लई एक तसली वाला विषय है भई किसान जथेबंदियों के सारियों के हौसले बुलंद ने, सारियाँ एक मुठ ने। ये समझना चाहिए सानू कि लड़ाई सिर्फ मोदी तक नहीं, मोदी दे उत्ते WTO का दबाव है। अमरीका विच उत्थे दी सरकार भावें ह्यूमन राइट्स के तौर पर सानू सपोर्ट करती है, पर इन्हां कानूनों की हमायत करती है। तुहाडे लई एक ये राहत वाली खबर है भी इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स के इन कानूनों के उत्ते बहस हो रही है। आस्ट्रेलिया बहस हो चुकी, न्यूजीलैंड बहस हो चुकी, UNO तुहाडा केस चला गया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भारत सरकार नूं नोटिस दिता होया भी जवाब दिओ तुसीं किसानां ते जदों इत्थे आए, क्यों तुसीं उहनां ते पाणी दी बछाड़ कीती और क्यों तुसीं उहनां ते टीयर गैस छड्डी। अज जदों किसान इत्थे बैठे ने, तुसीं उहनां दा पाणी बिजली बंद क्यों कीती है, ह्यूमन राइट्स दी वायलेशन क्यों कर रहे हो। तो सारी दुनिया इस अंदोलन वल देख रही है। ये इतिहासक हो निबड़िया, सब तो लंबा अंदोलन, सब तो शांतमई अंदोलन, सब तो वध पार्टीसपेशन वाला अंदोलन दुनिया विच इस तो पहला कदे इन्ने लंबे समय लई नहीं चलिया। तो पर तो ये तुहाडी भविख का सवाल है, तुहाडे बच्चों के भविख का सवाल है। इसलिए सानू असी समझते हाँ इस अंदोलन ने लंबा जाना ही सी। हुण तुहानू सारे नूं अपील करांगे भई आपां सारे इकट्ठे होके एक बार फिर हंबला मारीए, आपो अपने पिंडां चों जिहड़े पहलां तुसीं फैसले कीते ने भी पिंड दे 10 बंदे जाणगे, उदों वापस आउणगे जदों अगला 10 दा जत्था चला जाएगा। पर फिर भी असीं तुहानूं अपील करांगे भी उह 10 नाल हुण इस वेले 10 नाल नहीं सरदा, होर वध गिणती दे विच संघू बॉर्डर ते पहुँचो और इहदी होर जिहड़ी गिणती आ होर वधाओ, ताकि सरकार दा दिमाग टिकाणे लाया जा सके। सरकार धमकियां दे रही है कि तुहाडे असीं जिहड़े महा रैलियां दे विच इकट्ठ हो रहे ने उहनां तों असीं नहीं डरदे। उहदा इदां दे बयान देना ही अपने आप विच सिद्ध करदा है कि सरकार पैरां तों उखड़ चुकी है,
वो घबराहट विच है। थां थां ऊल जलूल इल्जाम ला के इस अंदोलन बदनाम किया जा रहा है, अफवाह फैलाइया जा रही हैं। ये तुहाडा हुण काम है बई इन्हां दीआं अफवाहां विच नहीं आउणा। सारे ने जिस तरह का तुसीं हुण तक अगे वध के साथ दिता, इहनूं होर तकड़े होकर मजबूत करना है और अंदोलन असीं जितना है, हर हालत जितना है और सारे ने मिल के जितना है। मैं उम्मीद करता तुसीं वध तों वध गिणती विच दिल्ली के बार्डरां वल नूं फिर वहीरां कत्तोगे। धन्यवाद।